अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा तारिक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 3, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा, फील्ड का मतलब है इलाका, मैदान या फिर कोई रीजन। हमें पता है कि अर्थ अपने इर्द गिर्द किसी भी बॉडी पर एक खास फोर्स लगाकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स का नाम बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक खास रेंज तक एक्ट करती है, एक खास रीजन तक एक्ट करती है। तो बेटा अर्थ जिस रेंज तक, जिस रीजन तक किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो रीजन, वो स्पेस हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। यानी हम ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं अ रीजन और स्पेस अराउंड द अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द कोई एक खास किस्म का इलाका, इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर किसी बॉडी पर वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। बेटा कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कंजर्वेटिव फील्ड, हर उस फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं जिसमें बॉडी पर किया जाने वाला वर्क रास्ते यानी पाथ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसी फील्ड जिसमें बॉडी पर वर्क किया जाए, चाहे वो किसी भी रास्ते से किया जाए, वर्क डन की वैल्यू पर किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अ फील्ड इन विच वर्क डन डज नॉट डिपेंड, जिसमें वर्क डन डिपेंड नहीं करता किस पर, ऑन द पाथ फॉलोड बाय बॉडी, उस रास्ते पर जो बॉडी ने वर्क करते वक्त फॉलो किया। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है कंजर्वेटिव फील्ड्स की, ग्रेविटेशनल फील्ड बेटा कंजर्वेटिव फील्ड है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड की एग्जांपल है। आज के आर्टिकल में हमने ये साबित करना है, ये प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारे पास है ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी वर्क होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, यानी वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन या फिर इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। यहां पर हमने एक फिगर कंसीडर की है बेटा, जिसमें दो पॉइंट्स लिए गए हैं। एक पॉइंट ए है जो कि ग्राउंड लेवल पर है और दूसरा पॉइंट बी है जो कि ग्राउंड से एच हाइट पर मौजूद है। अब हमने क्या करना है, एक बॉडी को पॉइंट ए से बी तक मूव करवाना है और इस मूव करवाने में ग्रेविटेशनल फोर्स ने या ग्रेविटेशनल फील्ड ने कितना वर्क किया है हमने वो कैलकुलेट करना है। लेकिन ए से बी तक उसको मूव करवाने में हम डिफरेंट पाथ्स का इस्तेमाल करने वाले हैं, डिफरेंट रास्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं और देखेंगे कि हर रास्ते पर किया जाने वाला वर्क किस नौयत का है और क्या है। तो अब हमने पॉइंट ए से बी तक जो बॉडी को मूव करवाना था बेटा, ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको तीन रास्तों में डिवाइड कर दिया। यानी पहले मैं ए से बी तक जाने के लिए पहले ए से डी तक जाऊंगा और फिर डी से बी तक, यानी एक पाथ मैंने ए डी बी यहां पर सिलेक्ट किया है और दूसरा पाथ बेटा मैंने ए सी बी सिलेक्ट किया है और तीसरा पाथ जो कि एक कर्व्ड पाथ है वो ए से बी तक। यानी ए से बी तक पहुंचने के लिए या फिर ए से बी तक मूव करवाने के लिए हमने तीन रास्ते सिलेक्ट किए हैं, तीन पाथ सिलेक्ट किए हैं। अब हम बारी बारी हर एक रास्ते पर, हर एक पाथ पर देखेंगे कि जो वर्क डन हुआ है या ग्रेविटेशनल फील्ड ने, ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो बॉडी पर वर्क किया है वो कितना है। तो सबसे पहले बेटा हम यहां स्टार्ट करते हैं, वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं अलोंग पाथ वन। पहले रास्ते पर कितना वर्क डन हुआ अलोंग पाथ वन, ध्यान से देखिएगा बेटा, पाथ वन ए डी बी है, यानी मैंने कैलकुलेट करना है वर्क डन ए डी बी। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ए डी बी रास्ते पर वर्क डन करने के लिए ये जो वर्क डन है इसको टोटल दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। यानी पहले ए से डी तक मूव करने में कितना वर्क डन किया गया और फिर डी से बी तक मूव करने में कितना वर्क डन किया गया। यानी ये वर्क मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा हूं, ए से डी तक, ए से डी तक जाने में कितना वर्क हुआ प्लस फिर पॉइंट डी से बी तक जाने में कितना वर्क हुआ। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, ए डी बी, ए से डी बेटा हमें फॉर्मूला इसका पता है, वर्क डन का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, और दूसरे के लिए भी हम यही फॉर्मूला मेंशन कर रहे हैं यहां पर, एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अब देखिएगा,
ए से डी तक, ये वो वर्क है जो ए से डी तक परफॉर्म किया गया। अब ए से डी तक जाते वक्त बेटा हमें पता है कि ग्रेविटी की फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसको मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं एफ, जो कि कितनी है, उतनी ही फोर्स है जितना के बॉडी का वेट है। एफ इज इक्वल टू एम जी। ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड मूव कर रही है और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए से डी की तरफ यानी हॉरिजॉन्टल है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल यहां पर कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, एफ डी कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस इसी तरह एफ डी कॉस ऑफ, यहां पर देखिएगा बेटा डी से बी तक जो वर्क हो रहा है, डी से बी तक जाने में यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी की फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है बेटा, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर है और ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड है, तो बेटा कितने का एंगल बन रहा है इन दोनों में, ये दोनों एंटी पैरेलल है यानी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं 180। अब हमें पता है बेटा कॉस 90 कितना होता है, जीरो होता है, जिसकी वजह से इस सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इधर आ गया बेटा एफ डी कॉस 180 डिग्री और कॉस 180 कितना होता है, माइनस वन, यहां आ जाएगा बेटा एफ डी इंटू माइनस वन। लेकिन हमें पता है हमारे केस में फोर्स कितनी है, उस बॉडी के वेट के बराबर है, यानी मैं इस फोर्स को पुट कर सकता हूं एम जी, और बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की थी वो उसकी हाइट है, जो हाइट के बराबर है, तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एच और ये बेटा माइनस यहां स्टार्ट में आ जाएगा। ले हमने पहला वर्क डन यानी पहले पाथ के अलोंग जो वर्क डन था उसकी वैल्यू हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली, यानी ए से डी और डी से बी तक जाने में जो वर्क डन हुआ वो हमारे पास है माइनस एम जी एच। मैं इसको कह रहा हूं यहां पर इक्वेशन नंबर। अब हम फाइंड करेंगे वर्क डन अलोंग पाथ सेकेंड पाथ, बेटा दूसरे पाथ के अलोंग जितना वर्क हुआ अब हम वो कैलकुलेट करेंगे अलोंग पाथ टू। पाथ टू बेटा हमारे पास क्या है, ए सी बी, यानी ए से बी तक जाते वक्त पहले मुझे ए से सी तक जाना पड़ेगा और फिर सी से आगे बी की तरफ जाना पड़ेगा, यानी यहां पर भी जो वर्क डन है, जो टोटल वर्क डन मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं ए सी बी, इसको भी बेटा मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, यानी पहले ए से सी तक डब्ल्यू ए सी और फिर सी से बी तक। बिल्कुल उसी तरह बेटा हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा और यहां पर भी है एफ डी कॉस थीटा। अब बेटा ए से सी तक जो वर्क डन हो रहा है, ए से सी तक जाते वक्त हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और यहां फोर्स कौन सी लग रही है बेटा, ग्रेविटी की फोर्स। बिल्कुल यही वाला केस कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है वो अपवर्ड है और ग्रेविटी की फोर्स बेटा डाउनवर्ड है, तो एंगल यहां पर कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यहां आ जाएगा बेटा एफ डी कॉस 180 डिग्री प्लस एफ डी कॉस, बेटा ये सेकेंड वाला जो वर्क है ये सी से बी तक है, यानी सी से बी तक मूव करते वक्त डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ग्रेविटी की फोर्स एज यूजुअल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो यहां बेटा कितने का एंगल बन रहा है, सी से बी तक जाते वक्त फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं कॉस ऑफ 90 डिग्री। हमें पता है बेटा फिर से कॉस 180 कितना होगा, माइनस वन, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस एफ टी और कॉस 90 हमारे पास कितना होता है, जीरो, जिस जीरो की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमारे केस में बेटा फोर्स कितनी है, एम जी, और ए से सी तक जाते वक्त, ए से सी तक जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ था, जितनी बेटा हमारे पास यहां हाइट है, तो यहां पर मैं डी की जगह पर पुट कर रहा हूं एच, तो ए W A C B हमारे पास, ये दूसरे रास्ते पर जो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना था उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है, माइनस एम जी एच। इसको बेटा कह रहे हैं हम इक्वेशन नंबर टू। अब हम कैलकुलेट करेंगे तीसरे पाथ यानी पाथ नंबर थ्री, जो कि एक कर्व्ड पाथ लिया गया था, उस कर्व्ड पाथ के अलोंग कितना वर्क डन हुआ हम वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन गौर कीजिए बेटा
थर्ड पाथ जो हमारे पास है ये कर्व पाथ है, और इससे पिछले आर्टिकल में हमने देखा था कि जब भी किसी कर्व्ड पाथ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां मैंने ये पाथ बेटा साइड पर अलग से बनाया है, जो कि आपने भी इसी तरह बनाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस कर्व पाथ को डिवाइड कर देंगे इंटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। क्या मतलब, ध्यान से देखिएगा बेटा, इस रास्ते को मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड कर रहा हूं। इस पूरे कर्व्ड रास्ते को मैंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में डिवाइड किया, जिसमें बेटा हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को मैं नाम दूंगा डेल्टा एक्स का, और वर्टिकल स्टेप को मैं नाम देने वाला हूं यहां पर, वर्टिकल स्टेप को, हर एक स्टेप को बेटा, पहले स्टेप को डेल्टा वाई वन और दूसरे स्टेप को डेल्टा वाई टू, इसी तरह डेल्टा वाई थ्री एंड अप टू सो ऑन, लास्ट वाले वर्टिकल स्टेप को मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा वाई एन। यहां पर हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को कोई नाम नहीं दिया मैंने, अमूमन यहां पर नाम डेल्टा एक्स के तौर पर आएगा। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल साइड पर हमने दो तरह के वर्क किए थे ऊपर, और दोनों तरह के वर्क में वर्क डन हमारा जीरो निकला था, यानी यहां पर भी जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं इनके अलोंग हमारा वर्क डन जीरो है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, यानी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, बारी बारी हर एक वर्टिकल स्टेप के अलोंग हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और लास्ट पर क्या करेंगे, उन सब वर्क्स को ऐड कर देंगे, तो ये कर्व पाथ पर हमें वर्क डन फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा, वर्क ए से बी तक जो कि एक कर्व्ड पाथ है। अच्छा, यहां पर अपनी सिमेट्री को इस्तेमाल करते हुए यहां पर मैं लिख रहा हूं एफ डेल्टा वाई वन, यानी पहले वर्टिकल स्टेप के अलोंग जो वर्क हुआ एफ डेल्टा वाई वन कॉज 180 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल स्टेप में बॉडी को ऊपर की तरफ मूव करवाया जा रहा है और फोर्स जो ग्रेविटी की है वो डाउनवर्ड है, तो 180। इसी तरह एफ डेल्टा वाई टू कॉज 180 डिग्री प्लस एफ डेल्टा वाई थ्री कॉज 180 डिग्री और अप टू सो ऑन, बेटा ये काम ऐसे ही चलता जाएगा, एफ डेल्टा वाई एन कॉज 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर कॉज 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस एफ डेल्टा वाई वन माइनस एफ डेल्टा वाई टू माइनस एफ डेल्टा वाई थ्री एंड अप टू सो ऑन माइनस एफ डेल्टा वाई एन। यहां से बेटा कॉमन देखें, कॉमन क्या चीज आ रही है हमारे पास, माइनस एफ, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल्टा वाई वन प्लस डेल्टा वाई टू प्लस डेल्टा वाई थ्री एंड अप टू सो ऑन डेल्टा वाई एन। अब ये फोर्स हमें पता है, ग्रेविटी की फोर्स है, जिसको हमने स्टार्ट में ही बताया था कि ये बॉडी के वेट के बराबर है, यानी माइनस एम जी डेल्टा वाई वन। इसी तरह बेटा इसको हम नीचे ले आएंगे, डेल्टा वाई थ्री एंड अप टू सो ऑन डेल्टा वाई एन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो अंदर छोटे छोटे वर्टिकल स्टेप्स हैं ये हमारे पास, यानी ये जो पहला वाला वर्टिकल स्टेप है डेल्टा वाई वन, अगर मैं इसको इस तरफ यहां पर बनाऊं, ये बेटा देखें ध्यान से, ये मेरे पास वही डेल्टा वाई वन है। इसी तरह ये वाला स्टेप मेरे पास डेल्टा वाई टू है, ये स्टेप डेल्टा वाई थ्री, और इसी तरह ये सारे स्टेप्स जब आपस में मिलेंगे बेटा, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, इन सब स्टेप्स को ऐड करता हूं, तो मेरे पास टोटल हाइट बनती है, यानी ये सब वर्टिकल स्टेप्स मिलकर टोटल हाइट के बराबर हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच। इन सब की जगह बेटा, इन सब की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एच पुट कर दिया। ये बेटा हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री। आपने गौर किया, हमने टोटल तीन रास्तों के अलोंग वर्क डन परफॉर्म किया, और तीनों रास्तों पर, जिसमें से दो रास्ते एक जैसे और तीसरा कर्व्ड रास्ता था, तीनों पर जो वर्क डन हमारा आया है वो माइनस एम जी एच है। तीनों इक्वेशंस पर गौर कीजिएगा बेटा, डिफरेंट पाथ फॉलो किए गए,
लेकिन वर्क डन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां से साबित होता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे वो फील्ड हमारे पास क्या कहलाती है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती है। तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों इक्वेशंस में हमारा आंसर सेम निकला है सो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वर्क है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इन शॉर्ट ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 4.4 है पावर। ध्यान से देखिएगा बेटा, पावर कोई भी बॉडी जो वर्क करती है यूनिट टाइम में, या फिर दूसरे लफ्जों में मैं कह सकता हूं कि द वर्क डन बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में एक बॉडी जितना वर्क कर रही है वो वर्क उसका पावर कहलाएगा। यानी पावर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या कह सकते हैं, पावर कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एवरेज पावर। एवरेज पावर का क्या मतलब है, यानी एक बॉडी काफी देर से वर्क कर रही है, फॉर एग्जांपल 3 घंटों से वर्क कर रही है, और हम चाहते हैं कि हम उसकी एवरेज पावर निकालें। तो क्या करेंगे हम, जिस तरह यहां देख सकते हैं कि पावर निकालने के लिए हम वर्क को टाइम पर डिवाइड करते हैं, तो जितना उसने वर्क किया और जितनी देर तक उसने वर्क किया हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा एवरेज पावर। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज पावर हमारे पास क्या है, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क, जो टोटल वर्क उसने किया टू द टोटल टाइम, जितनी देर तक उसने किया, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कह सकते हैं, एवरेज पावर। यानी मैं एवरेज पावर को बेटा पावर एवरेज, पी एवरेज लिख रहा हूं, इज इक्वल टू टोटल वर्क, डेल्टा डब्ल्यू बेटा यहां पर टोटल वर्क को शो कर रहा है, टू द टोटल टाइम, इज कॉल्ड एवरेज पावर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस बेटा क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी लम्हे, एग्जैक्ट एक पॉइंट पर किसी भी लम्हे जो बॉडी की पावर है उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। यानी द पावर ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे। अब लम्हा हमें पता है बहुत बहुत छोटा टाइम होता है, तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं बेटा, पी आई एन एस बेटा, यानी इंस्टेंटेनियस पावर। यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं वही एवरेज पावर का, यानी टोटल वर्क टू द टोटल टाइम, बट यहां पर एक लिमिट मेंशन कर रहा हूं, एक लिमिटाइज मैं कर रहा हूं। लिमिटाइज कैसे कर रहा हूं, यानी जो मेरे पास टाइम है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट, यानी एक लम्हे का टाइम है, इतना छोटा कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो ये रहा इंस्टेंटेनियस पावर का मैथमेटिकल रिलेशन। इसके बाद हम देखते हैं पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है। तो ऐसे करते हैं, साइड पर हम साइड पर पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, पावर बराबर होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो हमें पता है कि वर्क डन का यूनिट हमारे पास है जाउल, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है बेटा, सेकंड। तो पावर का यूनिट यहां से बना जाउल पर सेकंड, जिसको एक साइंटिस्ट जेम्स वॉट के नाम पर, जिसका नाम रखा गया वॉट। यानी पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास है वॉट, और वॉट किसके बराबर होता है, जाउल पर सेकंड के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट। और एक वॉट किसके बराबर होता है, एक वॉट किसके बराबर होता है, जाउल पर सेकंड के बराबर होता है। अब हम डिफाइन करते हैं 1 वॉट को, यानी अब हम पावर के यूनिट को डिफाइन करते हैं। तो यहां पर बेटा मैं मेंशन कर रहा हूं डेफिनेशन 1 वॉट, 1 वॉट, यानी अब हम इसके यूनिट को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला यहां पर मौजूद है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको वर्क को यहां पर बेटा 1 जाउल पुट कर रहा हूं, और टाइम को 1 सेकंड पुट कर रहा हूं। तो मेरे पास जो पावर है वो कितनी निकलेगी, 1 वॉट। तो यहां से 1 वॉट को डिफाइन कैसे किया जा सकता है, द पावर विल बी 1 वॉट। पावर आपकी 1 वॉट होगी कब, अगर 1 जाउल का वर्क किया गया, इफ 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन, कितनी देर में, इन 1 सेकंड। फिर समझिएगा, इफ 1 जाउल ऑफ वर्क, 1 जाउल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन पावर विल बी 1 वॉट। तो हम यहां द पावर विल बी
वन वॉट, बेटा पावर वन वॉट कब होगी हमारे पास, जब इफ वन जाउल ऑफ वर्क, एक जाउल का वर्क किया जाए, वन जाउल ऑफ वर्क इज डन कितनी देर के लिए, फॉर वन सेकेंड, फॉर वन सेकेंड, ये है हमारे पास बेटा वॉट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं एनर्जी का, हम यहां से एक पावर से एक यूनिट बनाने जा रहे हैं। हमें पता है पावर का फॉर्मूला हमारे पास है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। बेटा मैं इस वर्क डन को, इस वर्क डन को एनर्जी भी तो लिख सकता हूं, वर्क डन को मैंने एनर्जी लिख लिया यहां पर, तो यहां से अगर मैं एनर्जी निकालना चाहूं तो एनर्जी मेरे पास बेटा क्या आएगा, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो इस एनर्जी का देखें, पावर का यूनिट हमने अभी क्या पढ़ा था, वॉट, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड, ये है हमारे पास एनर्जी। तो देखें बेटा यहां से एनर्जी का हमने एक नया यूनिट बनाया है, वो न्यू यूनिट क्या है एनर्जी का, मैं यहां लिख रहा हूं दोबारा से, एनर्जी का न्यू यूनिट हमने जो डिफाइन यहां पर किया है दैट इज वॉट सेकंड, ये एनर्जी का एक न्यू यूनिट है। इससे पहले हम एनर्जी का यूनिट जाउल पढ़ते आए हैं। तो बेटा अगर इसी का मैं एक बड़ा यूनिट बनाना चाहूं, यानी क्या, एनर्जी का एक बड़ा यूनिट बनाना चाहूं, वॉट का बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोवॉट, किलोवॉट, और सेकंड का बड़ा वाला यूनिट बेटा क्या होगा, आवर। तो ये एक एनर्जी का बड़े लेवल का यूनिट है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एनर्जी का कमर्शियल लेवल का यूनिट है, यानी फैक्ट्रीज और बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। तो यहां पर लिखा जा सकता है कि कमर्शियल लेवल का जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने का वो क्या है, किलोवाट आवर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, किलोवाट आवर जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है कमर्शियल लेवल पर। अब किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है तो जाउल भी तो एनर्जी का यूनिट है, तो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा। तो हम देखते हैं कि एक किलोवाट आवर कितने जाउल्स के बराबर होता है, एक किलोवाट आवर कितने जाउल्स के बराबर होता है। तो हमें पता है बेटा एक किलो के अंदर, एक किलो जो हमारे पास है इसके अंदर मौजूद होते हैं 1000, किलो की जगह बेटा 1000 आ गया, बाकी बचा वाट इनटू आवर। बेटा एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास हैं 3600 सेकंड्स। और कुछ देर पहले हमने पावर का यूनिट डिफाइन किया था वाट वर्क ओवर टाइम, दैट वाज वाट जाउल ओवर सेकंड, यानी वाट को जाउल ओवर सेकंड लिखा जा सकता है। तो यहां बेटा ध्यान से देखिएगा, 1000 इस वाट की जगह मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पर जाउल पर सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 3600 इनटू सेकंड, इस सेकंड से बेटा ये सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बचा, 3600 मल्टीप्लाई हो रहा है 1000 से, यानी 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 1000 से तो हमारे पास ये आंसर आएगा, और यूनिट साथ क्या मौजूद है, जाउल मौजूद है। अब इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में मेंशन करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 3.6 इंटू 10^2, यानी यहां से अगर मूव करवाया जाए 10^6 जाउल, और हमें पता है 10^6 को हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा, 10^6 को मेगा मेंशन किया जा सकता है, यानी एक किलोवाट आवर या वन किलोवाट आवर कितने जाउल्स के बराबर होगा, 3.6 मेगा जाउल्स के बराबर होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा एक और इंपॉर्टेंट प्रूफ देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रूफ है हमारे पास, हमने साबित करना है कि पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर। हम इसका स्टार्ट करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले इंस्टेंटेनियस का बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस पावर का, दैट वाज लिमिट, जिसमें हमने लिमिट मेंशन की थी कि टाइम बहुत शॉर्ट है, बहुत शॉर्ट टाइम की जो पावर है उसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हमें एक बात का बताया बेटा, डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क जो के फॉर्मूला हमारे पास इसका होता है एफ डॉट डेल्टा डी लिखा जा सकता है बेटा इसको, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इस डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखा जा सकता है, एफ
डॉट डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, इस एफ को मैं यहां लिख रहा हूं इस तरह, और ये लिमिट जो है मैं इसको अंदर मूव करवा रहा हूं, यानी डेल्टा डी के साथ लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और यहां कह रहा गया डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखिएगा ध्यान से, ये रेशियो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, या दूसरे लफ्जों में इसको पढ़ा जा सकता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि वेलोसिटी के बराबर होता है, लेकिन यहां लिमिट लगी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है बेटा हमारे पास। ध्यान से देखिएगा, एफ साइड पर मैं मेंशन कर रहा हूं इस चीज को कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये किसके डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है और फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल, तो बेटा इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जा सकता है, या फिर सिंपली इसको वी भी लिखा जा सकता है। तो यहां पर बेटा इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, ये डॉट वैसे ही, और ये हमारे पास है वी, और इस पावर इंस्टेंटेनियस को पी, इंस्टेंटेनियस को पी भी लिखा जा सकता है, जिसके साथ हमारा ये प्रूफ मुकम्मल हुआ। तो यहां से पावर की एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है, वो क्या है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पावर।